शादी का लुक लग रहा है आपका, शादी का लुक, हाँ शादी हो गई है, शादी हो गई आपकी, हाँ लेकिन जो आज शूट है जी उसको लेकर बात करेंगे, आपका वेडिंग शूट है आपका आज, तो जिस तरह सोने मैम ने आपको आज उनके सैलून में बुलाया, क्या खास रहा, किस तरीके से लुक चेंज हो चुका है? लुक चेंज, एक तो देखो वेडिंग लुक तो सब करते हैं, यू नो आफ्टर वेडिंग लुक का मैंने फोटोशूट बहुत कम लोगों का देखा है, और मुझे भी ये था क्योंकि इतने टाइम से आप सब इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे मेरे बैक टू बैक वेडिंग्स ही चल रहा है, तो मुझे एक था कि मुझे आफ्टर वेडिंग वाला भी डालना, क्योंकि वेडिंग होके होने वाला है अभी एक महीना, तो मुझे ये जो लुक चाहिए था तो लैक्मे सैलून में, इसलिए इसकी इतनी मैं तारीफ करूँगी क्योंकि सोनिया ने मुझे एक परफेक्ट आइडिया दिया कि डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज वेडिंग लुक तो तुम्हारा हम करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा हो चुका है वायरल इंस्टा पे एंड ऑल। इवन मेरे साथ एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ, मेरे इतने वेडिंग शूट हुए ना इससे पहले कि जब मेरी एक्चुअल वेडिंग हुई ना तो लोगों को लगा वो शूट ही हो रहा है, तो एक्चुअल वो प्लीज़ ये साइलेंट कर दो है ना, तो मुझे सच में ऐसा लगा और बहुत सारे कॉल्स आए कि एक्चुअल वेडिंग होगी ये फ़ोटोशूट है, तो एक तो आर्टिस्ट की लाइफ है, रियलिटी भी कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी एक्टिंग हो रहा है, तो मेरी अभी एक्चुअली फाइनली शादी हो चुकी है और ये कोई हम शूट नहीं, वैसा शूट नहीं करें, ये जेन्युइन शूट करें, और ये आफ्टर मैरिज जो है मेरा एक जो लुक क्रिएट किया है वो लैक्मे सैलून सोनिया ने किया है, इनका साइन में ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल सैलून है, और इनका जो ट्रीटमेंट है ना नॉट, ये स्टार्ट मेकअप से नहीं होता, एक मेकअप प्रेप से होता है, जो एक एक्चुअल में आर्टिस्ट को या किसी भी इंसान को चाहिए होता है ना एक मेकअप प्रेप, कि हम टायर्ड हैं हमें थोड़ा मसाज कर दो या हमारा फेशियल करो, तो फेशियल करने का स्टाइल या हमारा मैनी पैडी कर दो, उससे हमें थोड़ा रिलैक्स फील होता है, तो वो जो रिलैक्सेशन के बाद जो एक लुक आता है ना वो इतना फ्रेश आता है, यू कैन सी माई लुक जो इन्होंने एकदम से एकदम चेंज जो किया ना, यही कहानी है मेरे लुक चेंज की। आपके साथ आपके हस्बैंड जीवन साथी, हाँ जीवन साथी, हाँ जी, लेकिन आपने उनका लुक ओवर नहीं किया, लुक क्या करेंगे लुक ओवर, एक आप खुद बताओ, हाँ एक आदमी में क्या ही चेंज होता, वो तो मंगलसूत्र नहीं पहनता है है ना, ना वो सिंदूर पहनेगा, उसका शादी का एक ही होता है, वो जब साथ में बैठे तो झुक करके बैठे, पता चला था शादी शुदा आप बताइए आफ्टर वेडिंग शूट और आफ्टर वेडिंग जिस तरीके से मेकअप होता है कितना डिफरेंट होता है बिफोर और आफ्टर में? यू नो व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो वेडिंग टाइम पे बहुत टायर्ड हो जाती है यू नो ब्राइड, तो उसको थोड़ा सा पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट्स व्हाई मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैं आपका सिर्फ मेकअप नहीं करना चाहती, मैं आपको पैम्पर करना चाहती हूँ, तो जब वो आए तो मैंने उनको फेशियल मैनीक्योर पेडिक्योर, ऐसा नहीं कि इनको ही किया है, मैंने दूल्हे को भी किया है तो उनको भी थोड़ा पैम्पर किया है, तो वही मेरा एक मोटो था कि उनको पहले पैम्पर करें और फिर आफ्टर वेडिंग लुक दें, सो वही मैंने सोचा एंड दैट्स व्हाई इनवाइटेड हर, एंड न्यूली वेड है, मेरे फेवरेट कपल है, मेरी फेवरेट लड़की है, मेरा फेवरेट लड़का है, सो दैट्स ऑल। और कितना डिफिकल्ट होता है कि जो गॉर्जियस ऑलरेडी दिख रही है उसको और बेहतरीन बनाना? ओह माय गॉड, वो तो बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है, बट इनको और क्या गॉर्जियस बनाए, बस मैं मेरी तरफ से इनको और पैम्पर कर सकती हूँ यहाँ पे उनको कंफर्ट दे सकती हूँ मोस्ट, मतलब मेरा जो यू नो रूल है मेरे सैलून का कि कस्टमर सर्विस अच्छा होना चाहिए, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, प्लस यू नो उनको सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेरे लिए। एग्जैक्टली, ये इन्होंने एकदम राइट बोला, मैं ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कि हाँ अगर मैं सेलिब्रिटीज़ हूँ, सेलिब्रिटीज़ आए हैं तो सेलिब्रिटीज़ को स्पेसिफिक वो एक ट्रीटमेंट, नहीं, यहाँ जितने भी लोग आते हैं टी कॉफ़ी से लेके एवरीथिंग, ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, सभी के लिए बहुत ख्याल रखते हैं, और एक्चुअल में ये सैलून मेरा फेवरेट सैलून हो गया सीरियसली। थैंक यू मैम, हमने आपको हमेशा वेस्टर्न लुक में देखा है, इंडियन लुक में आपको कम्फर्टेबल किस में लगता है? भारतीय नारी किसने सिखा के भेजा आपको ये? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक आर्टिस्ट ना हर चीज़ में अपने आप को कंफर्टेबल समझता है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगा ना तो ब्यूटीफुल कभी नहीं दिखेगा क्योंकि उसके फेस पे आता है, और मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ, यू कैन सी माय चूड़ा, मेरे रिंग्स, मेरे नेल्स, मेरा मांग और मेरी साड़ी, मैं सीरियसली बहुत इंजॉय करती हूँ, और लाइफ में ना इंजॉयमेंट होना चाहिए,
हाँ जब तुम वेस्टर्न कर रहे हो ना तो उसमें इतना भी इंडियन इफेक्ट नहीं आना चाहिए, और जब आप इंडियन कर रहे हो ना तो उसमें इतना भी वेस्टर्न इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज़ हो जाती है ना तो मेकअप मेकअप आर्टिस्ट और आर्टिस्ट तीनों कामयाब है। हमने देखा हेडलाइन दे दी मैंने आपको। हमने देखा मेकअप पर तो काफी सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे रहते हैं सपोर्ट करते इनको। मैं हाँ इनके हेयर स्टाइल कर रही थी मैं, एक्चुअली ना इनको पसंद है कि मैं इनके हेयर्स बनाऊँ, और घर पे भी सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं घर पे, वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं घर पे। मैं क्या रेडी करूँगी, मैं घर पे तो रेडी नहीं होता इंसान, बट वो घर में मुझे हर चीज़ों के लिए सपोर्ट करते हैं, घर के कामों में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये डबल हो गया है कि लव अरेंज, तो शांति में रहना पड़ेगा। तो जेब पे कितना भार पड़ रहा है आज के वक्त में? जेब पे तो भार आप ना पूछो तो बेहतर होगा। देख लीजिए मैम, देखो आप ज्यादा मेकअप और उतने को बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं जेब पे भार क्यों पड़ रहा है, इनका ना पहले 60% इनका खर्चा था, ठीक है, अभी क्या 60 में 20 अगर बढ़ेगा तो वो 80 हो गया ना, तो वो वाला भार है। हां समझ लो कौन सा वाला भार है, पहले अकेले का 60 था, मेरा 20 हो तो अब 80 हो गया, तो 80 दिख रहा, अभी वो 60 छोटा लगने लगा ना, तो वो वाला भार है, राइट? 100 सोनिया मैम अपने सैलून के बारे में बताइए, आपका कितना ब्रांच है, कुछ बताना चाहेंगे सैलून? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट ब्रांच है और मुझे इसको काफ़ी प्रीमियम बनाना था, एंड मैं और मेरे हस्बैंड अमैया वी हैव रियली वर्कड हार्ड इसके लिए, और हमने हमेशा से वही सोचा कि जो करेंगे बेस्ट करेंगे, और ऑब्वियसली फ्यूचर में हमारे बहुत सारे सपने हैं कि और ब्रांचेस हम खोलें। मैम के अलावा बॉलीवुड में कोई क्लाइंट है आपका? आते हैं बहुत सारे, बट अभी नाम बताना आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट है, कोलैबोरेशन नहीं है, तो जैसे वो आएंगे तो मे बी यू नो मैं नाम बताना ज़रूरी समझूँगी। सर अगर आप दोनों की बात करेंगे जी, तो ये आइडिया मुझे तो लगता है कि आपकी बीवी जो जीवन साथी उनके दिमाग पर आया हुआ एक बिजनेस चलती है सैलून में, तो ये सही है या फिर आपके दिमाग में आया हुआ? लास्ट फ्यू इयर्स की हमारा ये प्लान था कि कुछ ना कुछ करना शुरू करेंगे, तो आई डिडंट हैव एनी बिजनेस सेंस, तो बोला कि क्या करेंगे, तो कुछ मेरे वाइफ को नॉलेज था, शी इज़ अ बैक स्टेज मेकअप आर्टिस्ट विथ लैक्मे एंड ऑल, सो मैं बोला तुझको जो पता है उसमें जाते हैं, तो इसके लिए ये वेंचर शुरू किया। तो ये कितना लंबा चलेगा बिजनेस आपको लगता है? वी आर प्लानिंग टू एक्सपांड श्योरली, नियर बाय हमारा प्लान है माटुंगा में वडाला में एक्सपांड करने का। आउट ऑफ सिटी भी हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस बॉम्बे में ही सोच रहे हैं। हाँ मैं ये चीज़ बिल्कुल बताना चाहूँगी कि शादी के बाद काम करना मेरा एक्चुअल में मन नहीं था काम करने का, मुझे थोड़ा आराम चाहिए था क्योंकि मैंने बचपन से इंडस्ट्री में बहुत काम किया और इतना लाइफ हो गया, बट ही इज़ वेरी सपोर्टिव, इन्होंने कहा तेरा मन है काम करने का तो कर, ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो मुझे मेरा टैलेंट इतना पसंद है और मैं उसे सच में छोड़ नहीं पा रही हूँ, और रही शादी के बाद काम करने की बात, तो मैं बताऊं मैंने उसके शादी के तुरंत बाद एक इवेंट किया, बहुत बड़ा इवेंट किया है, वो नज़मा जी के साथ किया है, और मेरे शादी के बाद का फर्स्ट इवेंट था जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा है, और डेफिनेटली मुझे बहुत मज़ा भी आया था उस चीज़ में, और वो बहुत सुपर डुपर इवेंट रहा है, नज़मा के साथ मैंने किया था एक। आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री में जैसे जैसे अधिकतर लोग शादी होती है भी एक्ट्रेस के लिए जी, तो उसके लिए लाइफ मतलब काम ढूंढना या फिर काम मिलना इजी नहीं होता? ये एकदम करेक्ट बात है कि आफ्टर वेडिंग ना काम मिलना मुश्किल होता है, काम मिलना उसके लिए मुश्किल होता है जिसमें टैलेंट की कमी होती है। टैलेंट के लिए ना उम्र, शादी, मज़हब, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर मुझे डांस आता है ना तो मुझे डांस आता ही है, वो शादी के बाद चला नहीं जाएगा, बॉर्न डांसर, वो चला नहीं जाएगा, तो अब जो चीज़ गई नहीं उसे मैं खो नहीं सकती हूँ, और मैं मुझे ऐसा लगता है मैं लकीली शादी के बाद, मैंने शादी के पहले मैं थोड़ा सा आराम से घर पे थी क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रेपरेशन करनी थी, बहुत सारे और शादी की भी बहुत तैयारियाँ होती हैं, तो बट शादी के तुरंत बाद मेरे पास इतना काम है ना,
वो डेफिनेटली आपको अभी देखने के लिए मिलेगा. मैं कैन यू बिलीव मैं 31st तक बिजी हूँ, टोटली टाइट, और अभी मेरी शादी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत लकी है कि मेरे शादी के बाद इतना काम आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान भी नहीं चाहता कि मैं ये काम को छोड़ूं. लकी चांद है आपके? हाँ, ये मेरा लकी चांद. थैंक यू सो मच.